नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट होम ट्रिक्स। आज हम बनाने जा रहे हैं लौकी की एक डिफरेंट सी ट्रिकी डिश। जनरली आप सबने लौकी की सब्जी तो खाई होगी, और भरता, जो हम भरते का नाम सुनते हैं, हमारे माइंड में जो एक आता है वो होता है बैगन का भरता। पर आज हम कुछ डिफरेंट सा भरता बनाने जा रहे हैं। ये है लौकी यानी कि बॉटल ग्राउंड, इसका हम बनाएंगे आज भरता। इसके लिए मैंने ली है एक मीडियम साइज की लौकी, साथ में एक आलू, इन दोनों को मैंने चॉप कर लिया है, और हाफ कप बॉयल मटर, दो टमाटर की प्यूरी मैंने बना ली है, दो मीडियम साइज के प्याज को मैंने चॉप कर लिया है, और प्यूरी में मैंने एक लाल हरी मिर्च को पीस दिया था, साथ ही मैंने दो से तीन हरी मिर्च का चॉप करके रख लिया है। उसे आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। और ये कुछ सूखे मसाले हैं जिनकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। हींग, जीरा, राई, मिर्च, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर एंड हल्दी पाउडर। सो अब हम अपनी डिश स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम अपनी डिश स्टार्ट करेंगे, उसके लिए हमें पहले करना है, हम लौकी को बॉईल करेंगे। मैंने अपना एक कुकर रख दिया है, इसमें मैं डालूंगी लौकी और साथ ही हम आलू भी डाल लेंगे। आलू को मैंने काट के पानी में इसलिए रखा था क्योंकि नहीं तो आलू काला पड़ जाता है। तरीके से हम दोनों को बॉईल कर लेंगे। बॉईल करने के लिए मैं थोड़ा सा पानी इसमें डाल दूंगी। और अब इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा सॉल्ट, ज्यादा नहीं, बहुत थोड़ा सा, लगभग हाफ टीस्पून सॉल्ट मैंने डाला है, और वही हाफ टीस्पून मैं इसमें हल्दी भी डाल रही हूँ ताकि इसमें कलर अच्छी तरीके से लग जाएगा। अब इसको हम ढक्कन लगा के टू विसल के लिए, सीटी लगाने के लिए रख देंगे। फ्रेंड्स, जैसे कि हमारे दूसरे बर्नर पे जब तक हमारी लौकी और आलू बॉईल हो रहे हैं तब तक हम इधर बाकी की तैयारियां कर लेते हैं। मैंने ये कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दी है। अब मैं इसमें तेल डालूंगी, थोड़ा सा तेल, घी, व्हाटएवर आप जैसा चाहें उसे यूज कर सकते हैं। लगभग मैंने इसमें 2 टेबलस्पून तेल डाल दिया है। तेल के गर्म होते ही मैं इसमें डालूंगी हमारा ये मस्टर्ड सीड्स, लगभग 1 टीस्पून, एंड ये 2 टीस्पून मैंने इसमें डाल दिया जीरा, और साथ में मैं इसमें डालूंगी अब पिंच ऑफ हींग। हींग डाल दी मैंने इसमें, अब आप देख सकते हैं कि सब चीजें क्रैक होने लगी हैं। और साथ ही मैं इसमें अब डाल दूंगी अपनी प्याज जो कि मैंने पहले से चॉप करके रखा था। फ्लेम को मैंने हाई कर दिया है। मसाला डालते समय हम फ्लेम हमेशा स्लो रखेंगे। अभी हाई फ्लेम पे मैं अपना प्याज अच्छी तरीके से भूनूंगी। जब तक ये प्याज मेरा ट्रांसपेरेंट नहीं हो जाएगा, बहुत लाइट ब्राउन सा शेड इसमें आने लगेगा, तब तक के लिए मैं इसे प्याज को भूनूंगी। फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरी अनियन ट्रांस भी हो गई है और साथ ही इसमें एक अच्छा सा ब्राउन कलर आने लगा है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी थोड़ा सा चिली, बहुत ज़्यादा नहीं। आप चिली को ऐसे भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप ऐड कर सकते हैं, जितना स्पाइसी आपके यहाँ खाया जाता है। मैंने अपनी फ्लेम को मीडियम कर दिया है। साथ ही मैं अब इसमें डालूंगी ये टमाटो प्यूरी, फ्लेम को स्लो कर देंगे जब हम टमाटो प्यूरी डालेंगे, अदरवाइज हमें उसके पानी से जलने का चांस रहता है। और साथ ही मैं इसमें डालूंगी 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून धनिया पाउडर एंड 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर। इस मसाले को हमें भूनना है जब तक कि साइड्स में ऑयल ना आने लगे, तब तक के लिए हम इसे भूनेंगे। इसे हम अब ढक देते हैं एक लिड से। मैं इसे
ढक दूंगी। हमने इस तरीके से अपने मसाले को ढक दिया है जिससे कि ये मसाला थोड़ा जल्दी पकेगा। फ्लेम स्लो रखी है मैंने। अब इसे एक मिनट बाद मैं इसे चला कर देखूंगी कि ये रेडी है कि नहीं। अब हम अपने मसाले को चेक करेंगे। वाह, मसाला हमारा होने लगा है। अभी थोड़ा सा टाइम इसमें और लगेगा। इतने में इसमें अपनी मटर डाल देती हूँ ताकि मटर में भी मसाले का अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा। साथ ही इसमें मैं ऐड करूंगी 1/2 teaspoon ऑफ कश्मीरी लाल मिर्च। ये जस्ट कलर के लिए होती है, इसमें बहुत ज्यादा तीखापन नहीं होता। ये कश्मीरी लाल मिर्च मेरी, ये मैंने इसमें ऐड करी है। आप कोई सी भी ब्रांड की ले सकते हैं, कोई कंपल्शन नहीं है कि आप इसी ब्रांड की लें। आप MDH की, कैच की, जिसकी आपको इजीली अवेलेबल हो या आपके घर में हो आप वो यूज कर सकते हैं। इस मसाले में मैं लगभग अब 1/2 cup पानी डालूंगी और इसे मीडियम फ्लेम इसकी मैंने कर दी थी। 1/2 cup पानी डालने के बाद और मैं इसमें अब 1 teaspoon मैंने इसमें सॉल्ट भी ऐड कर दिया है। 1/2 cup और ये मीडियम फ्लेम पर है। अब हम वेट कर रहे हैं हमारे मसाले के अच्छे से बॉईल आके पकने का। और हमारे लौकी और आलू अभी उसमें एक विसल और आने बाकी है। देख सकते हैं कि अब हमारा ये मिक्सचर बिल्कुल रेडी है। ऑयल बिल्कुल इसके ऊपर आ चुका है। अब मैं इसे एक बार मिक्स करूंगी और हमारी ये बॉयल वेजिटेबल्स भी रेडी हैं। आलू भी देखिए अब गल चुका है और लौकी भी फाइनली गल चुकी है। मैं इसे इसमें ऐड कर दूंगी। केयरफुली ऐड कीजिएगा, आपके ऊपर कुछ भी छींटे नहीं आने चाहिए बिकॉज ये आलू और लौकी दोनों ही अभी मेरा गर्म है। इसे हम इसमें मिक्स करेंगे इस तरीके से और इसे थोड़ी देर के लिए कुक होने देंगे। देन उसके बाद हम इसे मैशर से मैश कर देंगे। इस तरीके से इसके अंदर कुक होगा। हमें कुछ भी पानी और ऐड करने की जरूरत नहीं है। मैंने फ्लेम को मीडियम कर दिया है, कुक होगा। और आप देख सकते हैं ये क्या है, आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये क्या है। ये है हमारा वेजिटेबल स्टॉक। बहुत से लोग पूछते हैं कि बहुत सारे डिशेस में बताते हैं, लाइक मैंने भी बताया है और भी लोग बताते हैं कि वेजिटेबल स्टॉक का यूज किया है। वेजिटेबल स्टॉक कुछ नहीं है, जो हम अपनी सब्जियों को उबालते हैं, जिस पानी में हम अपनी सब्जी को उबाल रहे हैं उस पानी में भी सब्जियों के बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स आ जाते हैं, वो पानी हमारा कहलाता है वेजिटेबल स्टॉक। इसे आप ठंडा होने के बाद आप इसे फ्रिज में भी रख सकते हैं और जब भी कोई डिश बनाएं उसमें यूज कर सकते हैं। और अगर कोई डिश आप नहीं बना रहे हैं तो इस पानी से आप अपना आटा भी गूंथ सकते हैं और अदरवाइज किसी भी डिश में एज अ पानी की जगह आप इसे यूज कर सकते हैं। इवन आप इसके सूप्स भी बना सकते हैं। नाउ अब हम अपनी सब्जी को एक बार चेक करेंगे। देख सकते हैं आप ये अच्छी तरीके से पक गई है। और अब हम इसे एक मैशर की हेल्प से, जिसे हम अपनी लगभग पाव भाजी मैश करते हैं उसकी हेल्प से सब्जी को हम मैश कर देंगे। जो भी अगर बिगनर्स हैं, लाइक अभी जल्दी है, नया नया उन्होंने किचन में काम करना शुरू करा है, वो इस तरीके से मेरी तरह इसे आँच पे रख के मत मैश कीजिएगा। वो लोग इसे आँच से उतारने के बाद मैश करेगा। फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारा भरता पूरी तरीके से मैंने मैश कर लिया है। अब हम इसे मैशर को हटाकर इसे साइड में रख देंगे और मैं इसमें अब ऐड करूंगी ये हमारा 1 teaspoon ऑफ ये हमारा MDH कैच मसाला। आप कोई सा भी MDH किचन मसाला, सॉरी किचन किंग मसाला, आप कोई सा भी किचन किंग मसाला डाल सकते हैं। इट्स ट्रूली ऑप्शनल। आप चाहें तो इसमें भरता मसाला जो आता है वो भी ऐड कर सकते हैं। और ये थोड़ा सा 1/2 teaspoon मैंने इसमें ऐड करा है हमारा गरम मसाला और इसको मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। फ्लेम को मैंने मीडियम करा हुआ है। गरम मसाला डालने के बाद में हमें इससे ज़्यादा आँख पे रखने की ज़रूरत नहीं होती है। अब मैं इसका फ्लेम ऑफ कर दूंगी। आप देख सकते हैं कि हमारा भरता पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। अब हम इसे सर्विंग बाउल में
अपना हम इसे सर्व कर लेंगे। आप देख सकते हैं मैंने इसे अपने सर्विंग बाउल में सर्व कर लिया है। अब हम इसे ग्रीन कोरिएंडर से गार्निश करेंगे। इसे हमने इसमें अच्छा खासा ग्रीन कोरिएंडर डाल दिया है, यानी कि हमारा धनिया। अब हम इसे कुछ अनियन रिंग से भी सजाएंगे। ये हमारे पर डिपेंड करता है कि हम इसे सजाना किस तरीके से। आप इसे किसी भी चीज से गार्निश कर सकते हैं। आप चाहें तो टमाटर क्यूब्स या चॉप्ड अनियन से भी इसे गार्निश कर सकते हैं। कुछ लेमन जूस भी आप इसके ऊपर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसमें ऐड कर सकते हैं। सो आप देख सकते हैं कि मेरा ये लौकी का भरता पूरी तरीके से रेडी है। आप अपने घर में इसे ट्राई कीजिएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है, डिश बहुत अच्छी लगती है, तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, हमारे वीडियोस को भी लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्मार्ट होम ट्रिक्स। बाय बाय।